दोस्तों, अगर आपको इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर पूर्वी को देखना पसंद है और आप सीआईडी शो को लेकर एक्साइटेड हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एपीएम पिक्सेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको क्रिकेट, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, इन सबसे जुड़ी जो ताज़ा खबरें होती है वो सबसे पहले देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सीआईडी 2 जो है वो बहुत ही जल्द सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर वापस आने वाला है, और इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा भी है कि ये जो सीआईडी 2 आएगा इसमें कौन से एक्टर जो है वो हमको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सीआईडी 2 में आपको सारे एक्टर सीआईडी के देखने को मिलेंगे, जैसे कि एसीबी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर अभिजीत, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर पूर्वी की लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सीआईडी में ज़्यादातर एक्शंस ही होते हैं, मतलब कहीं पर चोरी, कहीं पर रेप, कहीं पर मर्डर, ये सब होता है। और सीआईडी की टीम जो है वो बहादुरी से लड़कर इन केसों, इन जो ये जो केसेस होते हैं उनको सुलझाती है। तो दोस्तों, सब सबको चाहिए कि एक स्टोरी में अगर एक रोमांटिक एंगल हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सीआईडी के सीजन 2 के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक नई रोमांटिक एंगल जो है वो सामने ला रहे हैं, जिसमें आपको इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर पूर्वी की जो रोमांस है यानी कि जो लव स्टोरी है वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या होने वाला है सीआईडी 2 में और इसके जो एपिसोड्स हैं वो कब तक आएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो एपिसोड है ये आपको रात को 10 से 11 बजे तक देखने को मिल जाएगा, और ये जो सीआईडी 2 का पहला एपिसोड है वो शायद सितंबर 15 यानी कि एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा सोनी पे। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।